डेजीज हेल्दी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की की चटपटी पूरियां। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मक्की का आटा, मेथी, आलू जो मैंने बॉईल किए हुए हैं, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, अनारदाना पाउडर, सॉल्ट, जीरा पाउडर और जॉइन, और फ्राई करने के लिए ऑयल। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में एक प्रांत लेंगे, इसमें पहले मक्की का आटा डालेंगे, उसमें मेथी डालेंगे, आलू डालेंगे, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, नमक, जीरा पाउडर, अनारदाना पाउडर और जॉय। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से गूंथते जाइए। इसको हथेली की ऐसे प्रेशर देके अच्छी तरह से गूंथिए। इसको हम जितनी अच्छी तरह से गूंथेंगे पूरी उतनी ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी बनेगी। ये हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम एक चकला लेंगे, चकले के ऊपर हम पॉलिथीन लगाएंगे, छोटा सा पेड़ा लेंगे, उसको अच्छी तरह से ऐसे करेंगे और इसको पॉलिथीन के ऊपर रख के थोड़ा सा हाथ गीला करके अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूरी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और इसकी आप साइड चेंज करेंगे।
ये हमारी पूरी बन गई है और इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हम फिर थोड़ा सा आटा लेंगे, इसे पॉलिथीन पे रख के बनाएंगे। हम इसे पॉलिथीन पे रख के इसलिए बना रहे हैं जिससे ये चकले के साथ चिपके नहीं। ऐसे निकालेंगे और ऑयल में डाल देंगे। ये मक्की की चटपटी पूरी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये हमारी मक्की की पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। ये हमारी मक्की की पूरियां तैयार हैं। आप इसे दही, मक्खन और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। हरी चटनी बनाने की रेसिपी आप मेरे ही चैनल डेजीज हेल्दी किचन पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपनी वैल्यूएबल सजेशन देना भी भूलिएगा मत। थैंक यू।